टेंथ तक कॉम्पीट करना है। हर कोई इंग्लिश में जो वन बोलता है तो बगल वाला हिंदी में दो बोलेगा, फिर बगल वाला इंग्लिश में तीन बोलेगा, फिर बगल वाला हिंदी में चार बोलेगा, फिर बगल वाला इंग्लिश में फाइव बोलेगा। इस तरीके से टेंथ तक होना चाहिए। लोग टेंथ तक आ जाएंगे फिर वन से शुरू हो जाएगा, ठीक है? यस सर। तो पहले तुम शुरू करो वन से। दो बोलना है हिंदी में, है ना? फिर थ्री बोलेगी, बिल्कुल वन फाइव पांच सिक्स कैसे हो गया? जब इंग्लिश में बोली तो आपको हिंदी में बोलना है ना? चलिए अगला बार से हम आउट कर लेंगे आपको, अगला बार हम चलेंगे। चलो सीधा सेवन है हिसाब, एक हिंदी और एक इंग्लिश, ये मैं कभी नहीं समझ लूँ। यदि कोई इंग्लिश में वन बोलता है तो फिर बगल वाला हिंदी में दो बोलेगा, फिर बगल वाला इंग्लिश में तीन बोलेगा, फिर बगल वाला हिंदी में चार बोलेगा, फिर बगल वाला इंग्लिश में फाइव बोलेगा, फिर बगल वाला हिंदी में छह बोलेगा, है ना? हिंदी इंग्लिश हिंदी से वन हिंदी में पांच बोलना है, बोले सेवन। आप बोलो